आज हमारे पास एक नई एक्टिविटी है जिसमें हम विजुअल कंसंट्रेशन पे काम करेंगे। एक विजुअल कंसंट्रेशन के साथ साथ ये मोटर एक्टिविटी भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को ये जो सीट है ना, इसमें मैंने जो बटन्स यूज किए हुए हैं, इस बटन्स की जगह पे अगर आप चाहें तो कोई शेप यूज कर सकते हैं, कोई भी छोटे बड़े दाने रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कौन सा ऑब्जेक्ट आप लेकर के ये कराना चाहते हैं। बट देखिए जिस तरीके से ये एक्टिविटी की गई है कि मैंने स्क्वायर बना रखे हैं कुछ और उस पर मैंने कलरफुल बटन लगा रखे हैं। एक तो ठीक है विजुअल कंसंट्रेशन की एक्टिविटी है, साथ साथ ये देखा जाए तो इसमें कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर पूरा है। बच्चे को सेम जगह पर सेम बटन को रखने लाइक यहाँ पर रेड सबसे कॉर्नर पे है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दो अलग अलग यहाँ पे ब्लॉक बंद कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा पेज भी ले सकते हैं। तो ये बटन यहाँ पे कॉर्नर में था इसलिए इस बच्चे को यहाँ बच्चा जो भी लगाएगा तो उसको कॉर्नर पे ही रखना है। दूसरे में उसको देखना है व्हाइट बटन जो है वो मिड में रखा है दूसरी लाइन पर, यानी कि जो दो व्हाइट बटन है वो यहाँ पर उसको पेस्ट कर रहे हैं मिड में इस तरीके से। थर्ड लाइन में क्या है, दो पर्पल बटन है बट दोनों एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये एक पैटर्न हमारा पूरा हो गया है, बिल्कुल एज इट इज करना है जहां पर ये रखा है। तो इस तरीके से बच्चे को पूरा ध्यान इस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन बटन यहाँ पे कॉर्नर में रखा हुआ है लेकिन एग्जैक्टली कॉर्नर में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। फिर इसके बाद ब्लू बटन जो है वो एकदम मिड में रखा हुआ है, देखिए इसके बाद जो पिंक है वो एकदम नीचे है यहाँ पर। तो ये भी हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बीच में हमारा पर्पल बटन है लेकिन दूसरा जो पर्पल बटन है वो इस कॉर्नर पर है, इसके बाद जो रेड बटन है वो इस कॉर्नर पर है। देखिए इतना इजी नहीं है जितना ये लग रहा है देखने में, बच्चे को परफेक्टली वही जगह देखनी है जिस जगह पे हमने ऊपर वाले बटन को रखा हुआ है, यानी कि दिमाग भी बच्चे का काम कर रहा है साथ साथ में, उसकी आंखें भी काम कर रही हैं साथ साथ और उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों ब्रेन एक साथ एक्टिव हैं, उसके बच्चे के दोनों हाथ एक्टिव हैं उस बच्चे के और दोनों आंखें उसी ऑब्जेक्ट के लिए उसी एक्टिविटी के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो इस तरीके की हम छोटी छोटी एक्टिविटीज से बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप भी घर पे कराइए और बच्चों के साथ इंजॉय करिए और बच्चों को भी इंजॉय करिए। आई होप ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।